नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के शासन के द्वारा चलाए जा रहे पोषण पुनर्वास केंद्र में चांपा नगर के लोग भी उठा रहे लाभ। कुपोषित बच्चों को स्वस्थ बनाने के लिए हर जिले में कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कर हर 2 घंटे में सरकारी मैनुअल के हिसाब से नाश्ता, खाना व विटामिन दिए जा रहे हैं। चांपा नगर में पड़ताल किया तो पता चला है कि कुपोषित बच्चे जब भर्ती होते हैं तो उनकी वजन व ब्लड की जांच की जाती है और उन्हें 15 दिनों तक भर्ती रखते हैं। भर्ती के दौरान बच्चों को 8 बार समय अनुसार उनको उनका नाश्ता, भोजन का खास ध्यान रखा जाता है और बच्चों को खेलने के लिए रंग रंग के खिलौने, मनोरंजन के लिए टीवी व अन्य प्रकार के मनमोहक सामान बच्चों के लिए उपलब्ध रखे हैं। बच्चे को डिस्चार्ज करते समय बच्चे का वजन व ब्लड फिर जांच किया जाते हैं, सही मिलने पर डिस्चार्ज किया जाता है। वहीं डिस्चार्ज के समय बच्चे के माँ को सरकार की नियमानुसार 2,250 रुपये का चेक भी दिया जाता है। जिले में लॉकडाउन के कारण सभी बच्चों को घर भेज दिया गया है। बहुत सुधार आया है, खाना पीना भी अच्छे से खा रहे हैं, खेलते भी अच्छे हैं, वजन भी बढ़ गया है बच्चों का। बच्चे का पहले वजन कितना था, अभी कितना हो गया? पहले 7 था और अभी 8 हो गया है। हाँ, बढ़ गया है। तो आपको कैसे महसूस हो रहा है? अच्छा, अब लॉकडाउन खुल जाएंगे तो फिर आना चाहेंगे हम लोग। तो हमारे यहाँ पोषण पुनर्वास में 7 बच्चे हैं और अभी आज से तो लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए शाम तक के हम लोग उनको डिस्चार्ज कर देंगे। लॉकडाउन से पहले उनको डिस्चार्ज कर देंगे और यहाँ पर बच्चे लोगों को सही पोषित उचित आहार दिया जाता है, उचित मात्रा में आहार दिया जाता है, आहार और पोषण दिया जाता है, जिससे उन लोगों का वेट, हाइट अकॉर्डिंग वेट उन लोगों का सही हो। उचित आहार में क्या क्या रहता है? उचित आहार में हम लोगों का होता है F75 F100, जो बाकी जो घर से बनता है उससे यही चीज़ डिफरेंस है, जिसमें हम लोग मुरमुरा पाउडर है, शक्कर है और चीनी और मेन नारियल तेल, इसको मिला करके हम लोग उनको बना करके देते हैं। जो बाकी जो घर में बनता है वो तो बनता ही है, साथ ही साथ उनको ये चीज़ दिया जाता है और फली को अंकुरित करके, चना फली ये सब चीज़ अंकुरित करके पोषण वो दिया जाता है और माताओं को भी समझाया जाता है कि बच्चे लोगों को किस तरह से हम लोग दे सकते हैं कि बच्चे का वेट सही हो और किस टाइम पे और कैसे देना है, इनको हम लोग माताओं को जानकारी देते हैं। चापा के बमनी भी जितने ब्लॉक हैं, सारे आस पास के लोग, सारे लोग आते हैं यहाँ पर। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए वीएमआर भारत टीवी।